हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दिस इज़ हामिद जान। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और बिलखसूस इनिमिडिकेट का स्टूडेंट है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो। दोस्तों, मैं खुद चूँकि इनिमिडिकेट 2024 एस्पिरेंट हो, बड़ा नालायक हो और एक बार फेल भी कर चुका हो, बड़े अच्छे पोजिशन से फेल कर चुका हो, ठीक है। और इफ़ यू सी इज टू रिड्यूस एंड एक दिन मुझसे किसी ने पूछा कि हामिद जान, आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी तो एपीसी इतनी कम है, तो आप क्यों मतलब खुद को तका रहे, मतलब इम्पॉसिबल है आपके लिए इनिमिडिकेट वो करना, क्रैक करना। तो मेरे अंदर से कुछ अजीब किस्म का जवाब मिला उस शख्स को कि जिनका यकीन अल्लाह पर होता है तो वो रिसोर्सेज को नहीं देखते, ठीक है। तो मुझे अपना एक शेर याद आता है मेरा, कि लिखा है यही कुरान पाक में कि आम सा शख्स बड़ा इमाम तो बनता है। और प्लीज़ नोट कीजिएगा, ये फ़िल्टर विल्टर मैंने लगाया है क्योंकि मेरे हालात इस वक्त बहुत ख़राब है, तो अगर मैंने फ़िल्टर हटाया तो आप डर जाओगे, ठीक है, मैंने ना करें। तो बात कर रहा था कि लिखा है यही कुरान पाक में, ठीक है, कि आम सा शख्स बड़ा इमाम तो बनता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम सा इंसान बहुत बड़ा इमाम बना लेते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आप कमज़ोर है, आपके मार्क्स कम है, मेरे लिए मेरी तरह आप नालायक है, तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, अल्लाह पे यकीन रखना है और कहना ये चाहूँगा कि भाई, अब चूँकि इट्स लास्ट वीक ऑफ रमज़ान, आज जो है ना वो जुमा है, ठीक है, पश्तो भी बोली जाती है बीच बीच में मुझसे, ठीक है, आज जुमा है। तो मैंने तो भाई कर ली अपनी स्टडीज़ जो है ना वो क्लोज्ड ऑफ, ठीक है, बस मुझसे मजीद नहीं हो सकता, बहुत पढ़ ली, ये ओहमला, ये चारसला, ये फला, ये रिंगा, ठीक है, पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ा, बहुत सारा बग्स यहाँ जमा हुआ है। तो बस ये चंद दिन देने हैं अपने रब को, ठीक है, थोड़ा सा वक्त निकालना है अपने रब के लिए, ताकि वो हमारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल दें, ठीक है। अपनी मेहनत जारी रखेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, कामयाब हो गए तो भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, नाकाम हो गए तो भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तभी तो अल्लाह ताला हमें नाकाम करते हैं जब हमें आगे जाके बहुत बड़े बलाएँ मारने वाले हो। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आइए अल्लाह के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि वो हमारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकालें, अल्लाह पर यकीन करें। शुक्रिया।